दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, भारत देश को नदियों का देश कहा जाता है, तो आज बताना चाहूँगा कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो कर्नाटक प्रांत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में हमेशा बहती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कावेरी नदी को सदानीरा नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी की मुख्य रूप से लंबाई 800 किलोमीटर मानी जाती है, जो सबसे लंबी नदी कही जाती है। वही दोस्तों, इसकी उपनदी का नाम में शिमला, हेमावती, भवानी के नाम से लोग इसको जानते हैं। हिंदुओं में तिरुचिरापल्ली में सबसे लंबी नदी के रूप में यह पूजनीय नदी मानी जाती है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में होगेकल जलप्रपात, जो सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे गंगा नदी का रूप में नाम लिया जाता है। वही दोस्तों, यहाँ की शहर में बहने वाली जैसे भागमंडला, जितेंद्र, श्रीरंगा पहना में हमेशा बहती रहती है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगम और श्री विष्णु जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैसूर में 56 किलोमीटर की दूरी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, जिसे मनमोहक जलप्रपात के लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ घूमने और देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं, क्योंकि इसे पर्यटक स्थान दर्जा दिया गया है। दोस्तों आसपास में वृंदावन गार्डन है, जो नदी किनारे में सुशोभित और एक अलग पहचान, अलग छटा के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कावेरी नदी में भव्य मेला लगता है, जो मकर संक्रांति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दोस्तों इस नदी में धार्मिक मान्यता दी गई है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह है कि कावेरी नाम का एक लड़की, जो बचपन में गुड़ और संपन्न और बहुत ही सुंदर दिखती थी, तभी अगस्त मुनि विचरण करते हुए यहाँ आए हुए थे। तभी अगस्त मुनि देखते ही कावेरी को मोहित हो गए थे, तभी शादी का प्रस्ताव रखते ही शादी हो ही गया था। तभी से जब एक बार अगस्त मुनि विचरण के लिए बाहर चले गए, तब वापस नहीं आए। तभी कावेरी के द्वारा क्रोध में आकर एक तालाब में कूदने की मन बना ली थी, तभी से इस नदी का उद्गम कावेरी नदी के नाम से पड़ गया। दोस्तों और अधिक जानकारी आपको देते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए कमेंट करके बताइएगा।